डॉक्टर साहब, क्योंकि लगातार 3-4 दिन से कंटिन्यू पीजीआई में हॉस्पिटल पूरे देश में जो है वो काफी ज्यादा उसमें है, तो आप लोगों का किस तरह से जो प्लान है, किस तरह से आप स्ट्राइक का हिस्सा बने? बिल्कुल, तो जैसे आपको आपने बताया कि बहुत ही एक दर्दनाक किस्सा हुआ जिसमें एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप और उसको फिर ब्रूटली मर्डर किया गया। जो डॉक्टर्स की सेफ्टी का इशू है ये बहुत टाइम से हम लोग उठा रहे हैं, बिकॉज ये तो एक इंसिडेंट हो गया। अदरवाइज हॉस्पिटल्स में क्योंकि इमोशंस इन्वॉल्व होते हैं, हॉस्पिटल में डेथ्स होती हैं, इसलिए ये बहुत कॉमनली देखा गया है कि रिलेटिव जो हैं वर्बल या एक्चुअली फिजिकल असॉल्ट और हॉस्पिटल को तोड़ने के इंसिडेंट बहुत कॉमन है। तो डॉक्टर्स जो इतने स्ट्रेस में काम करते हैं, जो अपनी तरफ से 24 घंटे काम करते हैं, लाइफ को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं, उनकी लाइफ को ही अगर थ्रेट हो तो आप सोचें कि वो कैसे अच्छी केयर पेशेंट को दे सकते हैं। तो इसलिए इस सोसाइटी की और एडमिनिस्ट्रेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एक सेफ एनवायरनमेंट प्रोवाइड करें। अब जैसे कोर्ट्स में होता है, जजेज हैं, उनको एक सेफ एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाता है। अगर उनको आप सोचो कि जो वहां क्रिमिनल्स आते हैं वो उन पे अगर हाथ उठाना शुरू कर दें, उनको गलत बोलना शुरू कर दें, तो कैसे काम होगा? तो ये इशू हमने बहुत हाईलाइट किया है और हमारी डिमांड क्या है इसमें कि एक सेंट्रल एक्ट होना चाहिए जो वॉयलेंस अगेंस्ट मेडिकल पर्सनल एंड हॉस्पिटल्स पे स्ट्रिक्ट एक्शन हो। अगर ऐसा कुछ होता है तो हम चाहते हैं कि सारे कंट्री में एक सेंट्रल एक्ट ऐसा हो जिससे कोई भी एक एक्शन ऐसी कोई वॉयलेंस करने से पहले वो पेशेंट, वो रिलेटिव, वो पब्लिक सोचे कि इसका इम्प्लीकेशन क्या होगा। सेकेंड हमारी क्या डिमांड है कि इन सभी एटलीस्ट बड़े हॉस्पिटल्स में प्रोटेक्शन का पूरा सिक्योरिटी का सिस्टम होना चाहिए, और ये तभी हो सकता है जब जो NMC जो नेशनल मेडिकल काउंसिल है, जो हॉस्पिटल्स को, मेडिकल कॉलेजेस को MBBS MD की सीट्स के लिए, पढ़ाई के लिए एक्रीडेट करती है, उन्हीं की टर्म्स में आ जाए जब वो आके इंस्पेक्ट करते हैं कि पूरी प्रॉपर सिक्योरिटी वहां पे है या नहीं। तो इसमें कई चीजों पर, जैसे आपने बताया कि पहले से ही आपने आवाज उठाई है, सिक्योरिटी का मुद्दा बहुत जो है वो लगातार डॉक्टर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट भी है। हालांकि CBI की इन्वेस्टिगेशन की बात की गई थी, CBI की इन्वेस्टिगेशन हो चुकी है, लेकिन सबसे अहम है लॉ एंड ऑर्डर जो भी क्लिनिक में है, हॉस्पिटल्स में है या प्राइवेट हॉस्पिटल्स में, और दूसरा सिक्योरिटी क्या है उसको लेकर लगातार जो है आप लोगों का किस तरह से इसमें पार्टिसिपेट जो रहने वाला है, और किस तरह से OPDs बंद हैं, जो इमरजेंसीज हैं वो चालू हैं। तो कल से क्या है, कल हमारे जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है और उनके जो जूनियर डॉक्टर के विंग्स भी हैं, जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन है, अगर हम लोकल बात करें तो PGI की RDA रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन है, तो सभी ने मिलकर सारी कंट्री में कल प्लान हुआ है कि सुबह 6 बजे सैटरडे यानी 17 तारीख को, और अगले दिन सुबह यानी संडे 18 तारीख को 6 बजे तक 24 घंटे की जो रूटीन OPD सर्विसेज हैं वो बिल्कुल बंद रहेंगी। यहां पे भी सभी मेंबर्स ने पूरा इसका समर्थन किया है कि OPDs नहीं चलाएंगे। ऑफ कोर्स कि सीरियस पेशेंट को कोई प्रॉब्लम ना हो तो इमरजेंसी ओपन रहेंगी, और जो पेशेंट दाखिल हैं जिनको कोई भी इस तरह के प्रोसीजर्स की जरूरत है वो पूरा किया जाएगा। यानी कि जो सर ऑपरेशंस होने थे उनको भी पेंडिंग रखा जाएगा कि जो तो प्लैंड इलेक्टिव ऑपरेशंस हैं, जो 2 दिन में अगर लेट भी हो जाते हैं कोई नुकसान नहीं है, उसको हम पोस्टपोन करेंगे, बट जो अर्जेंट हैं, जो टाइम के हिसाब से जरूरी है करने, वो किए जाएंगे। सर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी आप लोगों की तरफ से आने वाले दिनों में भी इस तरह पर चर्चा की जाएगी सिक्योरिटी को लेकर अगर कुछ हल नहीं निकलता, क्योंकि लगातार 2-3 दिन हो चुके हैं, लोगों को भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बिल्कुल, तो इसमें हम पब्लिक से ये रिक्वेस्ट करेंगे कि आप भी डॉक्टर्स के साथ आएं। ये जो तकलीफ हो रही है, डॉक्टर्स चाहते ही नहीं कि पब्लिक को ये तकलीफ हो, तभी वो 24 घंटे काम करते हैं, लेकिन पब्लिक की भी, सिविल सोसाइटी की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो एडमिनिस्ट्रेशन पे प्रेशर डाले। क्योंकि आप देखो, जब हॉस्पिटल बंद होता है, हॉस्पिटल में वॉयलेंस होती है, तो जो पेशेंट उस समय वहां पे हैं, जो दाखिल हुए हैं, उनको भी नुकसान होता है। तो पब्लिक को सामने आना है, पब्लिक को डॉक्टर की सपोर्ट, सिर्फ डॉक्टर का मुद्दा नहीं है ये पब्लिक का भी मुद्दा है। तो जब तक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पे प्रेशर नहीं डालेगी, गवर्नमेंट पे प्रेशर नहीं डालेगी, ये हमने देख लिया कि कहीं साल हो गए हैं बट ये सिचुएशन सॉल्व नहीं होती। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि सभी प्रोमिनेंट सिटीजन, सभी पब्लिक एसोसिएशंस,
वेलफेयर एसोसिएशन, सभी इस चीज में डॉक्टर्स का सपोर्ट करें और ये प्रेस रिलीजेज और एडमिनिस्ट्रेशन को अप्रोच करें। तो बहुत जरूरी है क्योंकि जिस तरह से लगातार समर्थन मिल रहा है और स्ट्राइक जो है वो, हालांकि अभी तक जो मेन डिमांड है सिक्योरिटी को, कि डॉक्टर्स की सिक्योरिटी क्या है, क्योंकि ये पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी अगर हम बात करें तो कई इस तरह के वॉयलेंस सामने आए हैं जिसको लेकर लगातार इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और भी जो एसोसिएशन हैं, डॉक्टर्स की टीम है, लगातार इस मुद्दे को उठाए, लेकिन अभी तक किसी तरह का कोई सेटिस्फाइड सोल्यूशन नहीं मिल पाया जिसकी वजह से लगातार स्ट्राइक जो है वो की जा रही है। अब कल सुबह से हालांकि लोगों को जरूर दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन डॉक्टर्स, सीनियर डॉक्टर्स ये जरूर लोगों से अपील कर रहे हैं कि आप भी हमारे साथ जुड़िए, क्योंकि नुकसान पेशेंट्स का नहीं बल्कि डॉक्टर्स का भी नुकसान है और साथ के साथ दोनों को ही दिक्कतें जो है वो सामने पेश आएगी।